First of all, thank you for the great response you have given to our launch on the product Hair Skin and Nails. और इसीलिए आज हम अपने सेकंड प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए यहाँ पर हैं. एक प्राइम सेक्शन का जो प्रोडक्ट हमारे पास आया दैट इज सी बकथॉर्न. तो चलिए उस प्रोडक्ट को आज हम लोग यहाँ पर लाइव लॉन्च कर रहे हैं और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में. अ प्रॉपर न्यूट्रिशन रिच डाइट इज वाइटल फॉर अ हेल्दी एंड अ एक्टिव लाइफ. ये हम सब जानते हैं कि अगर हमारी डे टू डे लाइफ का न्यूट्रिशन खराब होगा तो सबसे पहले हमारी हेल्थ खराब होती है और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करती है वो है हमारी एक्टिव लाइफ. हमारी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा हैम्पर होती है. इज योर मील फुलफिलिंग योर डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स? क्या आपकी मील आपकी डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है? ये एक सबसे बड़ा सोचने का सवाल है क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं हमारी जो डेली मील्स है जो हमारा डे टू डे खाना हम लोग खाते हैं वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता. कोई ना कोई पोषण की कमी रह जाती है, किसी ना किसी चीज की कमी रह जाती है जो आगे जाकर किसी ना किसी डिजीज को जन्म देती है या हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को हैम्पर करती है. हम डे टू डे लाइफ में उतना एक्टिव महसूस नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए. वी मे मिस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर मील. हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर न्यूट्रिशन की कमी के कारण, अपने डाइट में न्यूट्रिशन पोषण की कमी के कारण उस चीज को फील कर सकते हैं. पुअर डाइट, आज हम सब जानते हैं कि हमारी जो डाइट है उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी है. हम बहुत ज्यादा अंदर बाहर घूमते रहते हैं, बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं. हमारी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है जिसकी वजह से हमारी डे टू डे लाइफ में न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाता. एंड पुअर एब्जॉर्प्शन, जो हम खा रहे हैं क्या वो एक्चुअली में हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, हमारी बॉडी उसे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पा रही है. और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होने के. उनमें से एक सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेसफुल लाइफ. हम सब जानते हैं कि आज हम एक बहुत स्ट्रेस के अंदर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और स्ट्रेस के कारण दो चीजें होती हैं. पहला, या तो हम ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं, शुगरी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं जिसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, या फिर दूसरी चीज जो हम करते हैं हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, जो बहुत ज्यादा दोनों ही चीजें हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करती हैं. सेकेंड इज सिडेंट्री लाइफस्टाइल. आज हमारा बैठने का काम ज्यादा है. हम लोग अपने ऑफिस में जाते हैं तो बैठे रहते हैं, हम लोग अपनी गाड़ियों से ट्रेवल करते हैं, हम लोग मॉल्स में भी अगर जाते हैं, मूवीज भी अगर देख रहे होते हैं तो हर चीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हैं. सिडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है फिजिकल एक्टिविटी. इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डे टू डे लाइफ. एंड लास्ट इज स्किपिंग मील्स. आप अपनी मील्स को क्या करते हैं? स्किप करते हैं. शायद ये हम सब कर रहे हैं. हम लोग ब्रेकफास्ट मील्स को स्किप करते हैं, लंचेस नहीं करते हैं क्योंकि ऑफिस के अंदर मीटिंग्स हैं, हम लोग डिनर्स नहीं करते हैं क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम लोग इतना कुछ अलग खा चुके होते हैं कि शायद हमें भूख नहीं लग रही होती. और ये जो मील्स की स्किपिंग है हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पेक्ट करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को खराब करती है और हमारी रेगुलर एक्टिविटी को हैम्पर करती है. जो हम डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उन एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैम्पर करते हैं. और क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें खराब करती है, हमारी लाइफ में हैम्पर करती है? दैट इज जंक फूड. जो हम बाहर का खाना खाते हैं वो हमें बहुत ज्यादा हैम्पर करता है. इम्पेयर्ड फूड हैबिट्स. क्या आज हम सब लोगों की फूड हैबिट्स अच्छी हैं? नहीं. बाहर का खाना सबको बहुत ज्यादा पसंद है, मीठा खाना सबको बहुत ज्यादा पसंद है, ओवर ईटिंग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं या फिर हम बिल्कुल भी खाना कंज्यूम नहीं करते हैं. तो हमारी जो डाइट है, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है. एंड लास्ट इज एडल्ट्रेटेड फूड. आज हम सब जानते हैं कि फूड के अंदर एडल्ट्रेशन कितना ज्यादा फैल चुका है. आज मार्केट में जो भी खाना अवेलेबल है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडल्ट्रेशन है. ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है. इवन न्यूज़पेपर्स के अंदर, न्यूज के अंदर आज हर जगह यही दिखाया जाता है कि किस तरीके से अलग अलग तरीकों से खाने को एडल्ट्रेटेड किया जाता है, जिस वजह से हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर न्यूट्रिशन हैम्पर होता है, पोषण की कमी आती है. और ये चीज सबसे ज्यादा हैम्पर करती है हमारी रोजमर्रा के जीवन की एक्टिविटीज को, उनके कामों को, और जो चीज हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अचीव कर सकते हैं उन चीजों को कम करती है. ऑल दिस रीजंस लीड्स टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड अल्टीमेटली एन इनएक्टिव
लाइफ। आज हम सब जानते हैं, देखिए टाइम काम करने के लिए सबके पास लिमिटेड ही है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उस लिमिटेड टाइम में कुछ लोग अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव कर लेते हैं, बहुत ज्यादा काम कर पाते हैं और कुछ लोग बहुत इनएक्टिव रहते हैं। अपने आसपास के डे टू डे लाइफ में भी अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो कुछ लोग सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा काम परफॉर्म कर पाते हैं। हम खुद भी देखकर उन्हें बोलते हैं कि ये सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पूरा टाइम अपने चीजों को, अपने कामों को कैसे मैनेज कर लेते हैं। और वहीं कुछ लोग थोड़ा सा काम करते ही थकने लगते हैं, रोजमर्रा के कामों को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस, उनकी हेल्थ, उनकी हर चीज हैम्पर होती है। इम्पैक्ट्स ऑफ इनएक्टिव लाइफ। अब क्या क्या इम्पैक्ट है आपकी इनएक्टिव लाइफस्टाइल के? सबसे पहला है वीकनेस। हमारी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू होती है, हम लेथार्जिक फील करते हैं, चलने फिरने का मन नहीं करता है। सेकेंड इज ओबेसिटी। अब हम सब जानते हैं अगर हमारी लाइफ में एक्टिवनेस नहीं होगी, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, अगर हम अपने पैरों का उपयोग नहीं करेंगे, ज्यादा चलेंगे फिरेंगे नहीं, एक्टिव तरीके से अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करेंगे तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पुअर कॉन्सेंट्रेशन, काम के अंदर ध्यान नहीं लगता है, वेट लॉस, या फिर ये भी हो सकता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा खराब हो जाए जिसकी वजह से हमारा खाना ही प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, विच लीड्स टू वेट लॉस। मसल वीकनेस, मसल्स के अंदर वीकनेस आने लगती है, सोरनेस आने लगती है, इन्फ्लेमेशन आने लगती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मैं जब भी सुबह उठता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं पेन रहता है, कभी वो हाथों में है, कभी वो पैरों में है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मसल में वीकनेस होती है, सोरनेस होती है। एंड स्लीपिनेस, अब ये किसे फील नहीं होता। मैं पर्सनली बहुत बार देखती हूँ लोगों को कि दोपहर का खाना खाने के बाद वो बहुत ही स्लीपी फील करते हैं, या शाम होते होते तक 6 बजे तक 7 बजे तक हमारी डे टू डे लाइफ में जो एक्टिवनेस होती है वो खत्म हो जाती है और हमें लगता है कि अब हमें बस घर जाना है और जाकर सोना है, तो हम वो एक्टिवनेस फील नहीं कर पाते हैं अपने रेगुलर लाइफ के अंदर। इसीलिए वेस्टेज ब्रिंग्स टू यू अ सॉल्यूशन टू लिव योर डेली लाइफ एक्टिव लाइफ, राइट। तो आज वेस्टेज ने ये प्रोडक्ट को क्यों लॉन्च किया, क्यों हम लोगों ने सोचा कि इस प्रोडक्ट के साथ हम लोग आने वाले हैं? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हमें डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में मदद करे, राइट। देखिए जब हमारी हेल्थ खराब होती है, या हमारे शरीर में पोषण की कमी होती है, या हमारी बॉडी में इम्यूनिटी की कमी होती है, तो ये चीजें लेटर स्टेजेस में हमें हैम्पर करती हैं। आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, आपके पोषण की कमी होगी, आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज आएगा, पर वो लेटर स्टेजेस में है, हो सकता है 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, वो है रोज के मर्रा के कामों को ना करने की क्षमता, रेगुलर एक्टिविटीज को ना परफॉर्म कर पाना। इसीलिए जो हमारा नया प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेस्टेज सी बक्तन, वेस्टेज सी बक्तन हम लोगों ने लॉन्च किया है हमारी रोजमर्रा की लाइफ को एक्टिव बनाने के लिए। ये प्रोडक्ट एक वेजिटेरियन कैप्सूल है, और क्योंकि इसका नाम सी बक्तन है तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि ये एक नॉनवेज प्रोडक्ट है या इसका सी से कोई रिलेशन है। ये एक वेजिटेरियन कैप्सूल है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ की एक्टिव लाइफ को मैनेज करने में मदद करता है, डे टू डे लाइफ में एक्टिवनेस को इंक्रीज करता है, ताकि हम अपने रेगुलर काम को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाए, अपने रेगुलर एक्टिविटीज को ज्यादा अच्छे से कर पाए और डे टू डे लाइफ में अपनी ज्यादा चीजों को अचीव कर पाए। सो सी बक्तन इज योर डेली डोज फॉर योर एक्टिव लाइफ। चलिए अब इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सी बक्तन एक तरीके की बेरी होती है। ये बेरी हमें ज्यादातर ठंडे जगहों पे पाई जाती है, जैसे लेक के अंदर या कोई भी ऐसी जगह जो कि ठंडी होती है, वहां से इसको लिया जाता है। और इसके बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिनल बेनिफिट देखे गए हैं। ये कोई सी फूड नहीं है, हालांकि इसका नाम सी बक्तन है तो आप लोग सोच सकते हैं कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन सी से हो सकता है, लेकिन इसका कोई भी कनेक्शन सी फूड से नहीं है या फिर फिश से नहीं है। सी बक्तन की हिस्ट्री क्या? सी बक्तन 1400 साल पुराना एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता हुआ एक बेरी है। ये प्रोडक्ट आज से यूज नहीं हो रहा है, बहुत ही सालों से इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। इवन अगर मैं बात करूं कितने सालों से, कितना पुराना प्रोडक्ट है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट
उनके वॉरियर्स जो है वो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते थे ताकि उनके वॉरियर्स डे टू डे लाइफ में एक्टिव रह सके, जो फाइट वो कर रहे हैं उसके जो काम वो कर रहे हैं उसकी एक्टिविटीज को मेंटेन कर सके। वंडर बेरी इसको कहा जाता है और इसको दूसरा नाम से लिया जाता है ले बेरी, ले बेरी भी इसे कहा जाता है क्योंकि ले लद्दाख में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां से भी इस प्रोडक्ट को लिया जाता है। एशिया, यूरोप, रशिया और कनाडा जैसे ठंडे देशों के अंदर ये प्रोडक्ट मिलता है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम कौन नहीं जानता, उन्होंने इस बेरी को आज से कुछ साल पहले लिया था और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप किए थे और ये प्रोडक्ट आर्मी ऑफिशियल्स को दिए गए थे क्योंकि हम सब जानते हैं आर्मी ऑफिशियल्स की लाइफ बहुत ही हेक्टिक होती है, कभी कभी वो लोग बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सुबह से लेकर शाम तक उन्हें आराम करने का मौका भी ना दे, तो उनकी लाइफ में एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, उनकी डे टू डे लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस प्रोडक्ट को उनकी डाइट में इंक्लूड किया गया था ताकि वो एक्टिव महसूस कर सके। एस्ट्रोनॉट्स ये फूड जरूर कंज्यूम करते हैं, स्पेस शटल्स के अंदर इस प्रोडक्ट को लिया जाता है। सुबेस्टिक प्राइमसी बक्तोन यूज सिंस टाइम मेमोरियल एंड न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स ये आपको देने में आपकी मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या पोषण इसके अंदर है, क्या क्या चीजें इसके अंदर है। बहुत सारा विटामिन है, विटामिन के, सी, ए, ई, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी, ओमेगा 3, 6, 7, 9 फैटी एसिड इसके अंदर है, बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर है, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम एंड अमीनो एसिड्स, तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, तो बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फैटी एसिड्स का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। नवस्टिक प्राइम सी बक्तर एक ओवर 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन है। बायो एक्टिव कंपाउंड्स, जब हम पोषण की बात करते हैं तो बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हमें मिल जाते हैं लेकिन वो छोटा छोटा पोषण जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, वो बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर अपने आप को एक्टिव करने के लिए, छोटे छोटे कामों को पूरा करने के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में उनकी कमी रह जाती है। तो 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स आपको सी बक्तन के अंदर मिलते हैं जो कि आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज को इंक्रीज करने में आपकी मदद करते हैं। बहुत सारे थेरापेटिक वैल्यूज है हमारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स की, अगर हम टोकोफिरॉल्स की बात करें तो एंटीऑक्सीडेटिव एक्टिविटीज इसकी है, कैरोटीनॉइड्स की अगर हम बात करें तो कोलेजन सिंथेसिस में हमारी मदद करता है, सो बहुत सारे थेरापेटिक बेनिफिट्स है। थेरापेटिक बेनिफिट्स किसे बोलते हैं, वो चीजें जो हमारे शरीर के अंदर जाती हैं और हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मदद करते हैं। इसी बीच मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो जब ये प्रेजेंटेशन चल रही है, जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं लाइव, तो आप अपने फीडबैक्स और अपने क्वेश्चंस हमें दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इसी प्रेजेंटेशन के अंदर उन्हें कंप्लीट करने के। विटामिन के, विटामिन सी, बहुत सारे इसके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जिनका थेरापेटिक वैल्यू हमें मिलता है। तो चलिए बात करते हैं सी बक्तन की बेनिफिट क्या है, क्या हमें मिलेगा जब हम इसे कंज्यूम करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं हमारी हेल्थ को लेकर। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, सबसे बड़ा जो इसके अंदर एक जो सबसे अच्छी चीज इसके अंदर हमें मिलती है वो हमें मिलती है मेंटेन हाई एनर्जी, राइट, हाई एनर्जी को मेंटेन करता है क्योंकि विटामिन सी इसके अंदर है, विटामिन ई इसके अंदर है, एंटीऑक्सीडेटिव बेनिफिट्स। और एक चीज जिसे मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट टू प्रोटेक्ट ब्रेन टिश्यू फ्रॉम डैमेजिंग, हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज हैं जो एज के साथ साथ डैमेज होते हैं, जो टाइम टू टाइम डैमेज होते हैं, उन ब्रेन टिश्यूज को डैमेज होने से रोकता है स्ट्रेस के कारण, ओवर एक्टिविटी के कारण, ओवर आजकल जो हमारी कॉर्पोरेट लाइफ है उनके कारण हमारे ब्रेन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है और उसी को मैनेज करने में हमारी मदद करता है। स्टेमिना बिल्डिंग, हमारे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को करने में हमारे स्टेमिना को इंक्रीज करता है। कार्डियक बेनिफिट्स, क्योंकि इसके अंदर फ्लेविनॉइड्स है तो हृदय को भी प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है, कार्डियक बेनिफिट्स इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। डायबिटिक बेनिफिट्स, राइट, डायबिटीज तेजी से फैलता जा रहा है और हम सब जानते हैं कि 30 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर है जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो डायबिटीज को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इंसुलिन को अच्छा करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है।
स्किन बेनिफिट हमें देता है, हमारी स्किन को लचुरियस रखता है, अच्छा रखता है, हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है, और गैस्ट्रिक बेनिफिट्स इसके अंदर हमें मिलते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वो क्या है, ओमेगा सेवन, ओमेगा सेवन फैटी एसिड जो हमारे सी बक्तन के अंदर ही अवेलेबल है। सिर्फ दो ही प्लांट सोर्सेस हैं जिसके अंदर ओमेगा सेवन मिलता है और उनमें से एक प्लांट सोर्स है सी बक्तन, राइट। अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों हमने स्पेशली यही प्रोडक्ट को चुना लॉन्च करने के लिए, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर ओमेगा सेवन हमें मिलता है। वन ऑफ द न्यूएस्ट गुड फैट है, जो न्यूएस्ट गुड फैट की रेंज के अंदर आता है, हमारी स्किन को अच्छा रखने में और हमारी हेल्थ बेनिफिट्स देने में हमारी मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या यूएसपीज है सी बक्तन की। सी बक्तन की सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो है डे टू डे लाइफ की एनर्जी को मेंटेन करना। देखिए बहुत सारे लोग हैं, हम लोग भी ट्रैवल करते हैं, आप लोग भी सुबह से लेकर शाम तक, सुबह कभी कभी हमारी जो रोजमर्रा की दिनचर्या है वो 6 बजे 7 बजे शुरू होती है और रात को 10 बजे खत्म होती है, तो वो पूरा टाइम हमारी बॉडी में क्या उतनी एक्टिवनेस है, क्या उस तरीके से हम काम कर पा रहे हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं, क्या वो पूरा दिन जो हम लोगों ने अपने अपने आप को मैनेज किया है, अपनी चीजों को मैनेज किया है, क्या वो कर पा रहे हैं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हमारी मदद करता है। प्रॉपर कंसेंट्रेशन, ऑब्वियसली अगर हमारी बॉडी में एक्टिवनेस होगी, अगर हमारे ब्रेन सेल्स हेल्दी होंगे, ब्रेन टिश्यूज हेल्दी होंगे, तो कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। कंट्रोल वेट, वेट को मैनेज करता है, गुड एपेटाइट, भूख को अच्छा रखेगा, रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करता है, गुड स्लीप, नींद को अच्छा करता है, गट हेल्थ को अच्छा रखता है और मूड को अच्छा रखता है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है कहीं ना कहीं एक ही चीज से इम्पैक्ट हो रहे हैं, और वो क्या है, हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को मेंटेन करना। अगर आप मोटे हो रहे, अगर आप बहुत ज्यादा स्लीपी फील कर रहे हैं, अगर आप चल फिर नहीं रहे हैं, तो वो किस चीज से इम्पैक्ट हो रहा है कि हम अपनी लाइफ में रेगुलर एक्टिविटी जो है, डे टू डे लाइफ की हमारी जो पोषण की कमी है उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे। और सी बक्तन के अंदर 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी रेगुलर एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये हो सकता है कि मैम इसे कब लेना, रेगुलर लेना, क्योंकि रेगुलर एक्टिविटीज को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। वेजिटेरियन कैप्सूल है, नॉन वेज प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, सी बक्थन इसका नाम है, तो प्लीज इसको सी के किसी भी प्रोडक्ट के साथ कोरिलेट मत कीजिएगा, ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। रिकमेंडेड डोसेज इसकी क्या हो सकती है, 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे हम लोग इसे ले सकते हैं। ये भी कोशिश कर सकते हैं कि एक कैप्सूल हमने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले लिया, दूसरा कैप्सूल हमने लंच के बाद ले लिया, ताकि हमारी पूरे दिन की एक्टिवनेस को, पूरे दिन की मैनेज, पूरे दिन की एक्टिविटीज को मैनेज करने में हमारी मदद कर सके। तो एक ही बार में मेरे ख्याल से 2 कैप्सूल्स आपको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज्यादा एक्टिव आपकी बॉडी हो जाएगी, लेकिन शाम होते होते तक वो एक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप एक ब्रेकफास्ट के बाद लें और एक इसको लंच के बाद लें, या आफ्टर आवर्स में लें, 4 बजे 5 बजे, जब आपको लगता है कि अभी आपका दिन जो है वो 10 बजे या 11 बजे तक चलने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं जो सी बक्तन के अंदर हम लोग बताना चाहते थे। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, एमआरपी इसकी है 1000 रुपीज, डीपी इसकी है 850 रुपीज और पीवी है 28.33। डेली डोज फॉर योर एक्टिव लाइफ, विजिट योर नियरेस्ट वेस्टिज ब्रांच डीएलसीपी एंड ग्रैब योर पैकेट ऑफ वेस्टिज प्राइम सी बक्तन। आप अपने नियरेस्ट ब्रांचेस में जा सकते हैं, डीएलसीपीज में जा सकते हैं और आज ही अपने प्रोडक्ट को लेकर आ सकते हैं, ताकि आप अपनी एक्टिव लाइफ को मेंटेन कर सकें। क्वेरीज, अभी हम लोग क्वेरीज लेंगे, कुछ छोटी छोटी क्वेरीज जो आप लोगों ने हमें भेजी होंगी उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। If healthy person takes this, will it be beneficial? Okay. तो एक क्वेरी हमारे पास आई है कि अगर कोई हेल्दी पर्सन इसे लेता है तो क्या ये बेनिफिशियल होगा? बिल्कुल, ये हेल्दी लोगों के लिए ही है, क्योंकि हेल्दी लोग जो हैं, उन्हीं की लाइफ के अंदर, देखिए जब हम हेल्दी होते हैं,
हेल्दी होने का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्लीपी फील नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह अगर 8 बजे उठे हैं तो आप थकावट महसूस नहीं करेंगे। तो बिल्कुल हर हेल्दी इंसान को, हर किसी को इसे रोजमर्रा के जीवन में लेना चाहिए। यह आपके रेगुलर लाइफ की एक्टिविटीज को मेंटेन करता है, आपको एक्टिव रखने में आपकी मदद करता है। सेकंड थ्योरी जो हमारे पास आई है, कैन एनी पर्सन टेक दिस? यस, एनीबॉडी कैन टेक दिस। इसे किसी भी बीमारी से कोरिलेट मत कीजिएगा, ये किसी भी बीमारी के साथ साथ आपकी रेगुलर लाइफ की एक्टिविटी को भी मेंटेन करता है। देखिए, ये आपके डायबिटिक चीजों को कंट्रोल करता है, कार्डियक बेनिफिट्स देता है, स्किन बेनिफिट्स देता है, ये सेकेंडरी बेनिफिट्स हैं। लेकिन जो एक बेनिफिट ये आपको सबसे ज्यादा दे रहा है वो है इसके 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स। वो बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो कहीं ना कहीं हम अपने खाने में भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उतना फ्रूट, उतना वेजिटेबल, उतनी चीजें हम रोजमर्रा के जीवन में नहीं दे पा रहे हैं अपनी बॉडी को, तो हमारी बॉडी की एक्टिवनेस को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। क्या हम इसे स्किन डिजीजेस के अंदर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है, ओमेगा 7 है, जो कि आपकी स्किन डिजीजेस को कंट्रोल करने में मदद करता है, आपकी स्किन को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेरी जो हमारे पास आई है कि क्या इसकी ओवरडोज हो सकती है, या ओवरडोज अगर हम लेते हैं तो क्या ये प्रोडक्ट हमें हैम्पर करेगा? देखिए, हमारे जो प्रोडक्ट है वो एक सप्लीमेंट है, उनका कोई ओवरडोज नहीं होता है, राइट? और अगर कोई बहुत ज्यादा ओवरडोज, 2 से 3 कैप्सूल्स हम लोग आसान मात्रा के अंदर इसको ले सकते हैं और इसका कोई ऐसा ओवरडोज नहीं है, अपने ब्रेकफास्ट के बाद, आप अपने लंच के बाद, लेट आवर्स में, शाम को 4 बजे, 5 बजे, अगर आपको लगता है कि आज रात को आपको पार्टी पे भी जाना है, रात को मैरिज है, 10-11 बज जाएंगे, आप बहुत स्लीपी फील करोगे, आप बहुत इनएक्टिव फील करोगे, वहां पर जाकर आप प्रॉपर तरीके से एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो शाम को 7 बजे, 6 बजे आप कभी भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ये आपकी डेली एक्टिविटी को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। रेस्ट वी विल टॉक अबाउट लेटर। जो भी आपकी क्वेरीज हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेरीज को छोड़ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।